उम्मीद है कि आप इसी तरह एक्सप्रेस पे आते रहेंगे। मुझे पता है आप लोग पहले भी आए हैं और पहले भी आपने हमारे गेस्ट को बड़ा एंटरटेन किया है। थैंक यू वेरी मच। और हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं और आपको दोबारा इंशाल्लाह बुलाएंगे थोड़ी देर में। थैंक यू बॉयज। अच्छा जी भाई वाह, मजा आया आपको? धन्य हुए। ये देखें हमारा प्रोग्राम की खसूसियत ये है कि यहाँ पे सब कुछ होगा। क्या बात, हम चाहते हैं हम लोगों को एंटरटेन करें मजे मजे की, उनको बातें भी जहाँ हो रही हैं वहाँ पे कुछ म्यूजिक भी हो, जरूरी है सर। अच्छा मैं पहले आप लोगों से ब्रेक पे जाने से पहले सवाल पूछ रहा था कि बच्चों के आने के बाद से ईद आपकी कैसे तब्दील हुई है, तो अजलान आपसे शुरू करते हैं इस बार। सर बात कुछ इस तरीके की है कि पहले जो है मुझे बड़ा देखना पड़ता था कि मेरे कपड़े जो है मैचिंग हो बेगम के साथ। अब जो है जो मेरी बेटी अजवा उसके भी कपड़े मैचिंग ढूंढना सिलवाना बड़ा जरूरी है। क्या बात है? बड़ा टास्क। तो वरीशा ये रिस्पांसिबिलिटी आपने नहीं अज्यूम की? ये नहीं, ये मेरी ही रिस्पांसिबिलिटी इनकी ही है। इन्होंने वैसी उंगली कटा के नाम कमाना है वैसी शुगल में। नहीं थोड़ी तो मेहनत लगती है ना, मार्केट जाना, चीजें देखना, पसंद आना। मैं अजान मैं आपकी बात को ना सिर्फ ये सेकंड करता हूँ बल्कि मैं इसको डबल इंडोर्स करता हूँ। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि हम मर्द जात हम लोगों को कभी क्रेडिट नहीं दिया जाता कि हम जो गाड़ी लेके घूमते हैं सबसे मुश्किल काम ईद के दिनों में पार्किंग। स्पेशली चांद रात पे। सर आप तारिक रोड जाए और देखें। बहुत बाद में आ गए। मैं ऐसे कह रहे थे मैं कभी तारिक रोड नहीं किया। ओ भाई पार्किंग ढूंढना एक अजाब। आम दिनों में नहीं तारिक रोड पे पार्किंग मिलती, तो चांद रात पे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा वरीशा बेटी के आने के बाद से माशाल्लाह कोई ये आप लोगों को ख्याल आया कि यार सोशल मीडिया पे हम जब अपनी फैमिली पिक्चर अपलोड करेंगे नज़र का एक बड़ा एलिमेंट है, मैं बड़ा घबराता हूँ, मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ, तो ये कोई आप लोगों की डिस्कशन हुई या आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के कहा कि चलो कोई बात नहीं भाई? हमने उसकी पिक्चर्स नहीं लगाई ना अभी तक। अभी ईद पे या आने वाले वक्तों में कुछ आपने प्लान किया है कि हम हर दफ़ा सोचते हैं कि ये तस्वीर अच्छी लगा रहे तो फिर हम बोलते नहीं नहीं छोड़ो। हम अपने आपको बड़ा रोक के रखा हुआ है कि यार हमने तस्वीर नहीं लगानी। हमने जो अजवा की तस्वीरें लगाई भी हैं तो जो उसका न्यू बॉर्न फेज था वो वाली लगाई है। अब जाहिर सी बात है बच्चा चेहरा बदलता है तो अब उसकी शक्ल वैसी नहीं रही। दिल बड़ा करता है लगाने का लेकिन फिर होता है कि नहीं यार बड़ा नजर बड़ी इट्स रियल, क्योंकि हम किसी बाहर तकरीब में भी जाते हैं या किसी इवेंट में भी जाते हैं, घर पर आकर बच्ची रोना शुरू हो जाती है तो उसकी नजर उतारते तब वो खामोश होती है, फिर हमें लगता है हाँ यार उसको नजर लग गई है, तो इसलिए घबराते बहुत है लेकिन ऐसा है। अच्छा आप लोगों के माशाल्लाह पेरेंट्स बने काफी टाइम हो गया है आपके साहबजादे, अब आपको प्री ईद याद है, प्री पेरेंटहुड वाली ईद? मैं कहता हूँ अली वजदान साहब के आने के बाद जो लाइफ है ना उसके मानी मत बदल गए हैं माशाल्लाह, वो एक बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग में है लाइफ, और उससे पीछे वाली जो जिंदगी है ना वो ठीक है लगता है कि ईद भी नहीं याद, वो तो अब कंसिडरेशन भी नहीं आती ना। अच्छा जो है ईद लाइफ तो अब शुरू हुई है इनके आने के बाद शुरू हुई, तो जो चीजें इसके अराउंड है। मैं भाभी से पूछता हूँ फिर कि आपको याद है शादी के बाद की पहली ईद पे ईदी कितनी मिली थी शफात की? बहुत सारा मुझे शादी की पहली ईदी बहुत सारी मिली थी, और मैं अभी ये कहूँगी कि बाद वाली ईदी डबल इसलिए हो गई क्योंकि वजदान की ईदी भी मेरी जब तक उसे समझ नहीं आती, जब समझ आने लगेगी फिर जाहिर सी बात है ले लेगा मुझसे। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे के ऊपर ब्रेन वॉशिंग शुरू कर दी है, मैंने उसे समझा दिया देखो जो पैसे दे रहे तुम्हारे हैं ये मामा को मत देना। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अब वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब मेरी तरबियत का जेर असर आके वो अम्मा को देना शुरू हो गया, पूछना शुरू हो गया कि मैंने पैसे दिए थे कहाँ गए। अच्छा जैसे अजलान और वरीशा से भी अभी डिस्कशन चल रही थी, ये जो एक ईद पिक्चर आती है एवरीबडी एक्सपेक्ट स्पेशली इफ यू आर इन द पब्लिक आए, लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई आपने ईद की। मुझे तो पिछली बार बल्कि एमन और मिनाल आए थे पिछली ईद पे, तो वो कह रहे थे कि अगर हम थोड़ा सा डिले हो जाए पिक्चर पोस्ट करने में तो लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि वो लड़ाई तो नहीं होगी खुदा ना खासा कोई कुछ और मसला तो नहीं होगा कि ईद की पिक्चर क्यों नहीं आई अभी तक। आप लोगों ने फेस किया आई थिंक ये आप लोग? सर ये बिल्कुल होता है कभी कभार अगर हम तस्वीर ना लगाएं या कुछ टाइम तक स्टोरी ना लगाएं तो पहला मैसेज आवाम का ये आता है कि सब ठीक है फड्डा तो नहीं हो गया लड़ाई तो नहीं हो गई है, लेकिन अब ऑफकोर्स हम भी बिजी होते हैं यार लाइफ में कभी कभार जो है ना वो पिक्चर अपलोड करना देर हो जाती है, लेकिन आवाम इतना एक यू नो इंस्टाग्राम और इतनी इन्वॉल्व हो गई है ना कि उनको चाहिए कि क्या अपडेट है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यार ये बात बिल्कुल सही है कि पिछली से पिछली ईद पे मेरे ख्याल में शायद वो कोविड वगैरह चल रहा था तो हमने ना ईद की पिक्चर कोई दोपहर हो गई हमने अपलोड नहीं की, तो एक दो डिजिटल मैगजीन्स के ना फ़ोन आ गए
तो मुझे लगा शायद ईद मिलने के लिए वो कर रहे हैं कि जी ईद मुबारक। मैंने कहा जी अब आपने पिक्चर अपलोड नहीं की, सब खैरियत? मैंने कहा ये मुझे नहीं पता था कि मामला इतना संगीन है। फिर मैंने इससे मशवरा किया, फिर हमने फौरन पिक्चर खिंचवाई उसी वक्त। हम लोग पिक्चर्स पहले से मैंने नहीं मतलब अच्छा में नहीं लेती थी। आप वो ईद पे ही लेती? ईद पे लेने वाली पार्टी, ताजा हॉट केक ये आया ओवन से निकाल के। जब उसी वक्त तैयार हो फिर उसी वक्त पिक्चर, फिर उसमें से सेलेक्ट करना कि कौन सी अच्छी है फिर अपलोड करना, तो उसमें तो टाइम लगता है ना। या तो इसका आइडिया बहुत अच्छा है बंदा पहले से शूट कर ले, फिर आप इजीली आपको माइंड प्रिपेयर्ड होता है। तो इस बार में इंशाल्लाह ऐसे करूंगी। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि जो बचपन की ईद थी उसमें और अब की ईद में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आया है, या आपको लगता है मोर और लेस वही ट्रेडिशन हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने बच्चों? मेरे ख्याल में बहुत परीक्षा से ये सब मैं सवाल, प्लीज 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 परीक्षा आप इसका जवाब दें। बहुत फर्क है। मुझे याद है हम जब छोटे होते थे हम पूरे जो हमारा एरिया होता था सबके घरों में जाते थे, सब ईदी देते थे। अब तो मेरी जैसे छोटी बहन है वो बोलती है अब तो कोई है नहीं ईदी कौन देगा, जैसे हम छोटे थे तो सब। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आप लोग बड़े हो गए हैं अब हम देंगे, लेकिन जैसे पहले बहुत ईदी जमा होती थी, अब ये कि चाचू आ गए पप्पू आ गए उन्होंने दे दी, तो आई थिंक बहुत डिफरेंट है अब। डिफरेंट हो गई है। आपकी वैसी है भाई? सर मेरी बिल्कुल वैसी है। मैं ईद के दिन सोता हूँ और अल्लाह का शुक्र है मेरा जो रूटीन है वैसे ही एग्जैक्ट मेरी बेटी का भी रूटीन है। माशाल्लाह वो भी आराम से दोपहर में उठती है, नमाज पढ़ के सोने, नमाज पढ़ के जो नींद आती है वो आहा। अरे वाह, आप आराम से दोपहर में उठे बाहर निकले वो शीर खुरमा खाएं केक खाएं, फिर अगर कोई आ जाता है तो उससे मिले, हमें तो ईदी मिलती नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र है बेटी है तो यू नो आर वाई इज गुड, उसको हमारी इक्विटी बहुत अच्छा है, बहुत ऐसा ही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं पिछले से कुछ कलाम करूं मैं चाहूंगा, पहले मेरी बेगम से सवाल घर की पली हुई है घर के पले हुए, तो मेरी ईद पे मुझे ऐसा लगता है कि वैसी ही है, बल्कि इनफैक्ट क्योंकि पेशावर अगेन मैं कहूँगी क्योंकि वहाँ पे फैमिली अभी भी बहुत ज़्यादा जॉइंट फैमिली वाले से, और हम लोग माशाल्लाह से इन लॉज में भी हम सब इकट्ठे एक ही घर में रहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो चार भाई चार भाभियाँ और उनके बच्चे, तो माशाल्लाह इतनी हैपनिंग ईद होती है कि वो बचपन ही की तरह मुझे अभी भी लगती है। तो आपकी तो ईद अक्सर दो दिन पहले भी हो जाती है, एक दिन पहले? हमेशा ऐसे होती है, हर बार नहीं, हर बार हम लोग यहाँ से जाते हैं तो वो यही होता है कि वहाँ पे चांद रात हम लोग यहाँ भी नहीं मिस कर लेते, वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे भी ईद का पहला दिन गुजर रहा होता है, तो ये होता है अक्सर, ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें ईद पे आपके तवस्सत से इस प्लेटफॉर्म के इस पंडाल इस मंच के तवस्सत से उन तमाम लोगों से कि आप ईद पे ये समझें कि अगले भी मतलब पूरे रमज़ान ज़ाहिर है वो रातों को जागते रहे हैं दिन में सोते रहे हैं, तो एक रात में सिर्फ आपके बूथे की वजह से वो अपना शेड्यूल चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ईद पे सुबह 9 बजे घंटी बजा के ईद मिलने का कोई जवाब नहीं। जो लोग ऐसा करते हैं ये समझने के लिए कि हम सबसे पहले जाके ईद मिलेंगे, शर्मिंदा हो आप मत आया करें। नहीं नहीं सीरियस ही बात है यार, क्यों भाई हम पूरे रमजान रात में जाके, तो यार ये लोग कौन होते हैं ये खुद? अरे भाई पूरी दुनिया ही होती है, सुबह ईद की नमाज के बाद ही अब्बा के दोस्त आने शुरू हो जाते हैं, डिंग डोंग, फिर अब्बा कहते हैं भी मेरा बेटा आया कराची से बैठो। मेरा एक सवाल है आप दोनों से, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि ईद के दिनों में एक व्हाट्सएप पर अंकल जो मैसेज करते हैं जो गुलाब जो बने हुए आते हैं और वो एक ही वो एक फॉरवर्ड मैसेज होता है वो क्या आप लोग पूरा पढ़ते हैं? वो मैं तो मेरे साथ तो ये हुआ है कि अगर उसका जवाब ना दो तो फोन आ जाता है, उसका जवाब ना दो तो फोन आ जाता है। मैंने ईद मुबारक भेजा था जवाब नहीं दिया उसका, क्योंकि उनका तो ईद मुबारक यही है ना भाई। हाँ वो एक मेरे साथ तो ये भी हुआ है बाकायदा। ये वैसे मेरे ख्याल में देखे यहाँ पे जो हमारे खानदान के बुजुर्ग हैं सीनियर सिटीजन क्या कहते हैं मिलेनियल्स कहते हैं उनको अच्छा मिलेनियल हमें उससे हम जो पिछले वाले जो हमसे पिछले वाले हमारे प्री मिलेनियल्स हैं क्या कहेंगे उनको ग्रैंड मिलेनियल्स बूमर यार बूमर डजंट गो विद देम यार बूमर कैसे लगते हैं यार मुझे क्या पता है तुम्हारी इस्तेलात है ना ये सफेद दाढ़ियों वाले अंकल को बूमर कह रहे हैं जो भी हो आई थिंक उससे भी और अच्छा भाई उन लोगों को मैं बात जो कहना चाह रहा हूँ उन लोगों को ना अभी वो हमारे साथ टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा जो है ना वो यो नहीं हुए तो हमें उनकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। ये जो तुम अभी बड़े चौड़े होकर कह रहे हो ये जो अंकल नहीं, है नहीं, मैं हरकतें ठीक करो, करते हाँ हाँ भाई अंकलों में उठा बैठा करो
ये नंबर मांगने वाले जो अंकल हैं इन लोगों से दूर रहा करो, पहली बात। दूसरे ये कि जो लोग भेजते हैं इस किस्म के ईद के मैसेज उनको फौरन थैंक यू कर दो, कितने सेकंड लगेंगे? कितने सेकंड लगेंगे? मैं रिप्लाई करता हूँ। हाँ, मेरा सवाल ये था कि आप लोग पूरा पढ़ते हैं? अरे पूरा देखो, पूरा नहीं पढ़ जाता, वॉइस नोट में थैंक यू कहना होता है। पूरा पढ़ने में क्या, देखो पूरा पूरा